Assalamualaikum guys, I am Adil Yaqub. Assalamualaikum guys, I am Muhammad Nabi. वेलकम करते हैं आपको अपने YouTube चैनल हिट रिएक्शन पे. आप लोगों का फेवरेट चैनल अब तो बन चुका है और वैसे हमें तारों भी अब कराने की डेली इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को नाम तो हमारे पता चल ही गए होंगे, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है बांग्लादेश की तरफ से, बहुत खुशी होती है हमें. तो आप लोगों ने कमेंट में हमें लिंक्स भेजे थे, जो रिसेंट हमने वीडियो अपलोड की थी क्रिकेट के बारे में, उस पर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन आए थे, आप लोगों के कमेंट्स आए थे, बहुत सपोर्ट मिली थी. तो एक और हमें लिंक आया तो हमने सोचा चलें बांग्लादेश के में जो BPL एक लीग चल रही थी उसके फाइनल पे बनाते हैं. और नवीद भाई इस पे बहुत ज़्यादा जो है ये जो मैचेस जितने BPL के मैं तकरीबन मैक्सिमम मैंने मैचेस लाइव देखे हैं जब जब मुझे टाइम मिलता रहा, तो बहुत ही एक कांटेदार किस्म के मुकाबले होते हैं, जितने मैचेस हुए हैं ना बहुत ज़बरदस्त हुए हैं. तो एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है इसमें, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, तो उसके बाद जो है वो बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बहुत ही जबर यार, 10 यार के लिए फर्स्ट ओवर था मोहम्मद आमिर का. देखिए लिटन दास यार मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं, जेसन रॉय और ये बहुत मुझे पसंद है ओपनर. वाओ यार अमेजिंग. थर्ड ओवर में फर्स्ट विकेट डाउन हुई है, क्राउड काफी है, बहुत ज्यादा क्राउड यार, फाइनल जो है तो बहुत ज्यादा क्राउड है और मैचेस ही इतने जबरदस्त हुए थे कि क्राउड ने तो आना ही था. लेग साइड पे नहीं तो वाओ अमेजिंग यार, बैलेंस बहुत जबरदस्त किया खुद को. वाओ सिर्फ टाइमिंग, प्योर टाइमिंग थी. यस बल्ला रख रहा हूं बिल्कुल. अगेन फोर्थ. अच्छा ये बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी. वाओ 6 होगा आउट. ये आई थिंक 6 है. ओह 6. ये ओह ब्यूटीफुल कैच यार जो अमेजिंग. क्या बहुत ही सस्पेंस वाला यार ये फाइनल था, बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था ये. अपने कैरियर बेस्ट जो इनके बॉलिंग फिगर थे. अच्छा ये एंड्रयू रसल का यार बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट यार, स्लो मोशन में देखेंगे. अच्छा अभी तक इनके विकेट्स तो यार काफी डाउन हो गई हैं और रन रेट भी कम है 16th ओवर में. अच्छा मोहम्मद नवाज भी खेल रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, तो इंटरनेशनल ये कंसेक्यूटिव नहीं खेल सके, 2017 में खेल रहे थे. अगेन फोर. ये मोहम्मद नवाज की शॉट थी. अब ये पता नहीं है आज हुए या नहीं शॉट के लिए. ये मोहम्मद नवाज ने दोबारा हिट किया है 6. वाओ अच्छा मोहम्मद नवाज भी बहुत जबरदस्त फॉर्म में थे यार, पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया था इन्होंने, लेकिन बस फिर बीच में आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, कुछ इंजरीज इनको हो गई थी, तो फिर उसके बाद ये कम बैक नहीं कर सके इंटरनेशनल टीम में, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है. मोहम्मद नवाज स्ट्राइक पे है दोबारा
18th ओवर है अगेन मोहम्मद नवाज स्ट्राइक पे हैं लास्ट 30 बॉल 35 रन 2 विकेट्स वाओ क्या बात है यार प्योर टाइमिंग थी यार अच्छा उसी 18th ओवर में दोबारा ये 6 लगे स्लो डिलीवरी थी 2 2.5 18 ओवर में कंसेक्यूटिव ये 6 था ये देखो प्योर टाइमिंग थी यार अच्छा अभी तक विकेट डाउन हो गई थी लेकिन बेस बना रहे हैं ये उसी ओवर में 18 ओवर में अगेन 4 वाओ 3 वो भी आप देख लो एक बॉल डॉट और ये गर्ल्स को क्या हुआ 4 बाउंड्रीज लग चुकी हैं ये वाओ 19th ओवर में ये अभी रसल ने 6 मारा ये आमिर को मोहम्मद आमिर को 6 पड़ा है कोई भी बॉलर्स के पड़ता है बिल्कुल सेकंड लास्ट ओवर है अगेन 4 2 बाउंड्रीज हो चुकी हैं सेकंड लास्ट ओवर में अच्छा इनकी विकेट बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई थी लेकिन इन्होंने जो है वो अभी बेस पर प्रोवाइड की है अपनी टीम को बहुत प्यारी शॉट थी इसमें स्लो डिलीवरी थी ना तो ये मोहम्मद नवाज ने देखी है ये स्लो डिलीवरी थी उसको सिर्फ बस पास कर दी हो सकता है डर के शॉट के लिए बिल्कुल स्लो डिलीवरी हो गई थी बैक ऑफ द हैंड लास्ट बॉल है सेकंड लास्ट ओवर की 2 बाउंड्रीज पड़ चुकी हैं ऑलरेडी ओ ये आई गेस क्या है 4 क्या मोहम्मद नवाज 36 पे खेल रहे हैं 17 बॉल पे 36 स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन है लास्ट ओवर है ये वाओ 6 सिर्फ फ्लिक थी यार एक विराट कोहली अक्सर ये शॉट खेलते हैं और विम रिचर्ड्स ऐसी शॉट्स खेलते होते थे बिल्कुल विम रिचर्ड्स ये वो वेस्ट इंडीज के जो है वो फॉर्मर कैप्टन भी हैं और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर उनको माना जाता है नंबर 3 भी वो खेलते थे ये देखिए बिल्कुल फ्लिक की है इसको फुल डिलीवरी थी ये चेक करें अभी आप और इस फ्लिक किया टाइम किया बॉल को ओ बैड लक अगेन 4 41 पे खेल रहे हैं यार मोहम्मद नवाज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है आज बोल रहे हैं ये नहीं 20 ओवर कंप्लीट आई गेस 170 रन हुए हैं 171 का टारगेट है ये फर्स्ट बॉल ओ आउट विराज की विकेट थी ये सेकंड ओवर में अच्छा बहुत थ्रिलिंग मैच है ना काफी क्राउड है क्राउड से पता लगा क्राउड बहुत ज्यादा है ये टाइम नहीं कर सके बॉल को डबल माइंडेड हो जाता ना खेलते बिल्कुल नहीं पता चलता सिक्स ऑल द वे ये रेले रोसल थे शायद एग्जैक्टली उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी रोसल ने ओह वाओ फ्लिक और और नवाज ने जो है पार्टनरशिप बिल्ड की थी इनकी अभी तक 2 विकेट्स डाउन है वाओ बॉटम ऑफ द बैट बॉल लगी थी ये गे ओ आउट रॉसो 37 पे आउट हो गए ये अच्छा डील हो रहा था बिल्कुल अच्छा नवाज ने विकेट भी ली है रॉसो की पार्टनरशिप ब्रेक कर दी है 11th ओवर में रसल ने कैच किया रसल और नवाज की बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस है अभी तक ये अगेन 4 नजीबुल्ला ये अफगानिस्तान के प्लेयर हैं 14th ओवर में ओ
साइड लग गया, आउटसाइड एज। स्मार्टली खेल गए हैं बॉल को। अच्छा रन्स अभी रुके हैं, विकेट जब से रॉसो की डाउन हुई है ना 15th ओवर में, फिर 110 रन है। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा पास कर दिया, स्मार्टली खेल गए हैं बॉल को। ओ सिक्स सिक्स मुशफिकुर रहीम, बिल्कुल मुशफिकुर रहीम ने भी 148 के स्ट्राइक रेट से, मैं उस दिन देख रहा था उन्होंने ये इनिंग्स खेली थी, और ऑल जो उनका बीपीएल का सीजन क्या था 148 का, बहुत ही जबरदस्त महंगा तो नहीं है, मिलेगा किस स्टाइल में, चेक करिए नहीं है स्टाइल मिलेगा का था, बिल्कुल वाओ ये सही हो गई टीम के ये। ओ मोहम्मद इरफान की बैड लक, ओवर द हेड बॉल गई है। ये मोहम्मद इरफान है पाकिस्तान के बॉलर हैं, टॉलेस्ट बॉलर हैं अभी तक, पेस उनको साइड से मोहम्मद समी लग रहे थे, ये स्टाइल चेक करें। बॉलर जब इस तरह की रन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो बंदा, तो एक बंदा जो है वो अभी 40 रन रह गए 3 ओवर में। ओ बोल्ड रसल ने बोल्ड कर दिया यार, बहुत ही आपको मैं पहले भी कहता था डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं रसल आईपीएल में भी, यहाँ पे भी नहीं है पोलार्ड का, तो कम बैक हुआ है इनका, कम बैक नहीं हो सका अभी तक। वाओ बस विकेट साहब तो बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, 30 रन वही हैं, 30 हैं, कोई रन नहीं बना लास्ट 2 ओवर्स में, एक रन भी नहीं बना, 3 ओवर्स में 30 रहते थे अभी तक 30 रहते हैं, 4 बॉल में एक सिंगल रन भी नहीं बना 2 ओवर्स में, लास्ट जो 2 ओवर्स थे सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट। बैलेंस नहीं अपना है इक्वल कर सके, और आई थिंक थे भी ये बॉलर थे लास्ट ओवर। वाओ ब्यूटी, अच्छा कहीं तो बड़ा एक्सीलेंट होता है ना, बॉलर आ जाते हैं एंड में उस पे लोग जो है वो काफी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, हमारे शोएब अख्तर याद है आपको एंड में, वाओ एंड्रयू रसल ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, यॉर्क खुशी होती है ना बंदे को, वाओ भंगड़ा अपना अपना स्टाइल कर लेंगे यार। Okay guys, we are just ended with the
कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो आज की हमारी बहुत ही थ्रिलिंग जो था वो मैच था, तो कैसा लगा आप लोगों को और कौन सा जो मोमेंट था या कौन सी विकेट या जो एक शॉट थी वो आप लोगों की फेवरेट थी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। नवीद भाई आपको कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी लगी, दोनों साइड से अच्छी लगी, बिल्कुल परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी, फाइटिंग। लेकिन ये है कि देखें इसमें ये नहीं होता कि एक बहुत अच्छा प्लेयर है या बहुत अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, ये अपनी अपनी लक होती है। कई दफ़ा अच्छी टीम जो है वो भी हार जाती है और कई दफ़ा बहुत अच्छी टीम जो है वो जीत जाती है, मतलब ये है। अभी फर्स्ट इनिंग्स देखने रॉयल्स की भी 101 या 107 रन पे 4 विकेट डाउन हो चुकी थी, तो ऑलराउंडर रह गए थे नवाज और रसल, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की, तो अपनी पार्टनरशिप के साथ स्ट्राइक रेट बहुत ही जबरदस्त था दोनों का और बहुत मुश्किल होता है इनिंग्स को एंड तक लेके गए हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से ही जो है, और मैन ऑफ द मैच भी आई गेस रसल ही होंगे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है जब बैट्समैन आपके एंड हो जाते हैं और ऑलराउंडर्स जो होते हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, और बहुत खुशी होती है जब और विकेट भी लिए, नवाज ने भी एक विकेट लिए और रसल ने भी 2 विकेट लिए हैं हमारे ऑलराउंडर अब्दुल रजाक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो शकीबुल हसन का जिस तरह अभी वर्ल्ड कप में बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट किया था, 11 ने इनिंग्स खेली 93 की एवरेज के साथ, ये हिस्ट्री में इंटरनेशनल जितने मैचेस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप में किसी प्लेयर ने 93 की एवरेज के साथ स्कोर किए हों, तो और जो उनकी सबसे लीस्ट जो थी इनिंग्स थी वर्ल्ड रिकॉर्ड 93 की एवरेज के साथ उन्होंने स्कोर किए है, ऑलराउंडर ने विकेट्स भी उन्होंने लिए और साथ जो है वो उन्होंने 44 के 45 आई गेस उनका जो मिनिमम स्कोर था वो था, इससे ज्यादा ही वो स्कोर करते रहे हर मैच में 50 100 50 100, और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था उनका। तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो पसंद ही होगी जैसे मैं क्रिकेट लवर हूँ, तो जो मेरे साथ के हैं वो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप लोगों ने बताना अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं मेरी तरह, तो ऐसी हम लोग इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए मजीद लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, और डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का भी लिंक है और साथ में हमारे इंस्टाग्राम ट्विटर और आईडी का भी लिंक है, तो हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।